हेलो, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। इस वीडियो में मैं आपको जो चार्ज का फ्लो है इनसाइड द कंडक्टर वो किस तरीके से होगा इसको एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो टॉपिक है कवर करता है जो 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, तो उसके लिए ये बेसिक आइडिया सिमुलेशन फैट का यूज किया है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक सेल में यहाँ पर यूज कर अभी कर रहा हूँ, जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसको मैं वायर से कनेक्ट कर दूंगा, ये मेरे पास में वायर है। और यहाँ जो डॉट आप देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक वायर ये सेल के यहाँ, ये सब मटेरियल अवेलेबल है, इधर वायर, बैटरी, लाइट बल्ब है, रेजिस्टेंस है, स्विच है। और अभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद जो कन्वेंशनल नोटेशन है, जैसे कि ये करंट होगा, तो उसके थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये वोल्टमीटर का सिंबल है और ये एमीटर का है, राइट। तो अभी यहाँ जो एपरेटस है वो एज इट इज ही यूज किया है, उसके ये सब कंपोनेंट हैं। तो अभी मैं वायर ये इसको कनेक्ट किया, ये जो डॉट आप सर्कल देख पा रहे हैं इनको ज्वाइन करना है, और इसको आप अपने आप से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सब अवेलेबल है, फैट की वेबसाइट है PhET, तो वहाँ पर ये अवेलेबल है। दूसरा कनेक्शन आपको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ मैं एमीटर अभी आपको लगा के दिखा दूँ कि एमीटर भी है जिसमें आप करंट रीड कर पाएंगे ये एम्पियर में। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, इसके साथ में ये स्विच है, ये बल्ब है, ये बैटरी है, और एक वायर अभी इसके साथ में ये कनेक्ट कर दिया है। तो अभी जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये करंट का फ्लो होगा, और करंट का फ्लो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये स्विच क्लोज कर दिया है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी डायरेक्शन ये है, इस साइड को चल रहे हैं, और ये जैसे ही बल्ब में चलते हैं तो टंगस्टन के थ्रू होते हुए ऐसे ये, तो वहाँ पर बल्ब ये जो है ग्लो करता है। और ये जो करंट है इसका जो मेजरमेंट है वो एमीटर के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 0.90 एम्पियर शो कर रहा है, राइट। वोल्टमीटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के अक्रॉस। तो मैं ये वोल्टमीटर थोड़ा सा इस साइड लेके आ जाता हूँ, इसका ये टर्मिनल यहाँ पे रखा और ये टर्मिनल इस पॉइंट पे रखा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक जो है मैंने पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का उस पे रखा है, और जो वोल्टमीटर का रेड है उसको नेगेटिव टर्मिनल पे रखा है। तो अभी मैं जो वोल्ट डिफरेंस पढ़ रहा हूँ वोल्टेज का, तो वो -9 वोल्ट है, राइट। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो फिर रिजल्ट देखते हैं। इसको मैं अगर इस साइड ले आऊँ और इसको मैं इस साइड में ले आऊँ, राइट, थोड़ा सा और मैं इस तरीके से करके दिखा दूं आपको, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये +9 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वोल्टमीटर यूज करते हैं तो वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव आपका पॉइंट है वो बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट हो, और जो निगेटिव है तो वो निगेटिव से ही कनेक्ट हो। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हैं कि ये 9 वोल्ट आपको वोल्टेज डिफरेंस मिल रहा है बिटवीन दीज टू जो टर्मिनल है बैटरी के, राइट। और यहाँ पे करंट मिल रही है 0.9 एम्पियर। अभी कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज नहीं किया, रेजिस्टेंस जो है वो केवल वायर का ही अपना है या ये स्विच का हो सकता है। अभी अगर इसी सर्किट को जो सिंबल है यहाँ पर वायर का, बैटरी, बल्ब, रेजिस्टेंस, स्विच, इनको अगर सिंबल की फॉर्म में करना हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, तो आपको ये सिंबल की फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे वायर एक लाइन है, बैटरी ये एक छोटी सी लाइन, फिर ये थोड़ा बड़ी लाइन, और इस तरीके से इसको आप शो कर सकते हैं। लाइट बल्ब का सिंबल ये है, रेजिस्टेंस का ये है, स्विच का ये है। तो बल्ब कहाँ है, ये बल्ब है, राइट। ये वायर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बैटरी है, और ये आपका स्विच है यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो स्विच को आप ऑन ऑफ ये सब कर सकते हैं, राइट। तो ये स्विच यहाँ पे आपका, तो ये अभी ऑफ कर दिया है, राइट। तो ये स्विच यहाँ पे अभी मैं इसको ऑन कर दूंगा। तो ये सब पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और इसके रेस्पेक्ट में ये। तो अभी मैं नेचुरल जो इसके कंपोनेंट है उसी फॉर्म में दिखाऊं, तो ये बल्ब, एमीटर,
ये वोल्ट मीटर, ये बैटरी, राइट। तो अब इसको थोड़ा बैटरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, बैटरी सेलेक्ट कर लिया है, और ये कभी एक्चुअली पिक्चर में इंक्लूड नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इस बैटरी का जो है वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ। 9 वोल्ट से मैं इसको 20 वोल्ट के आसपास में लेके आ चुका हूँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 20 वोल्टेज हुआ है, तो करंट का फ्लो उतना ही तेज हुआ है, चार्ज का रेट जो है फ्लो करने का उतना ही तेज हुआ है। अगर मैं वोल्टेज कम करूँगा तो ये कम हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि वोल्टेज 4 है, तो इसकी स्पीड कम हो चुकी है चार्ज की। तो जो रेट ऑफ द चार्ज है इस वायर में फ्लो होने का, वो कम हो चुका है। अभी अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूँगा तो वो बढ़ जाएगा। अभी 7 वोल्ट किया है, तो ये रेट जो है वो बढ़ चुका है चार्ज फ्लो करने का, राइट। तो अभी वोल्टेज अगर मैं और ये 15 कर दूंगा तो और बढ़ जाएगा। तो क्या इसके साथ में लाइट बढ़ रही है? जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या वोल्टेज बढ़, ये यहाँ पे लाइट बढ़ता जा रहा है? क्या करंट का रेट बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अब ये 9 एम्पियर हो चुका है, उससे पहले ये 0.9 था, लाइक दैट, राइट। तो उसी के साथ में आप देख रहे हैं कि जैसे ये करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो यहाँ पे जो बल्ब से लाइट मिल रही है वो भी बढ़ता है। अब अगर मैं कम करूँगा 75, तो लाइट कम हुआ है, लाइट की इंटेंसिटी, राइट। अब मैं 19.50 वोल्ट पर हूँ और करंट कितना है, 1.95 एम्पियर, करंट भी कम हुआ है और लाइट भी कम हुई है। अभी लाइट और कम होता जा रहा है, राइट। तो इस सिमुलेशंस के थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अबाउट टू द इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। और इस सर्किट में हम लोगों ने अभी यूज किया है केवल ये बल्ब, एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी और ये स्विच। अब ये स्विच ऑन ऑफ, राइट। दोबारा फिर बता दूं, अगर सिंबल को यूज करना है तो आप सिंबल को इस वे में यूज करेंगे, ये दिखाया है। रेजिस्टर इस टाइप से, अगर मैं रेजिस्टर यहाँ पर यूज करना चाहूँ तो मुझको एक कनेक्शन देना होगा, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कट कर दूंगा और इन दो पॉइंट के बीच में मैं रेजिस्टेंस को ऐसे पिक करूँगा, यहाँ फिक्स कर दूंगा और इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वजह से करंट में कोई चेंज आया क्या। यस, करंट के अंदर चेंज आया, 23 वोल्ट जब मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है बैटरी को, राइट, तब यहाँ पर 1.15 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये चीज आप देख सकते हैं, अगर सिंबल के फॉर्म में देखेंगे तो ये, और मैं वोल्टेज को थोड़ा चेंज कर लूँ, अभी मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, वोल्टेज में चेंज करता हूँ, कम करता हूँ, 13 वोल्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी ये फ्लो जो है चार्ज का, जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और भी स्लो हो चुका है। और अगर मैं इसको बिल्कुल 0 के आसपास लेके जाऊंगा, जैसे अभी 2 वोल्ट है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही धीरे धीरे से ड्रिफ्ट कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोगों का पहला पॉइंट था, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें हम लोगों ने अभी देखा कि भाई करंट कैसे चलता है, ठीक है। वो करंट कैसे चलता है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अभी इलेक्ट्रॉन चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। इसी को हम करंट बोलते हैं, और फिर करंट का चलना बोल दे देते हैं। करंट का चलना ठीक नहीं है जो टर्मिनोलॉजी है, अभी चार्ज का चलना ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं कि करंट चल रहा है, राइट। तो वो भी कन्वेंशन फॉर्म में बोलते हैं। तो अभी अगर उसको कन्वेंशनल फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, अभी मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहा हूँ, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के वही हम करंट बोलते हैं, जो रेट है ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब ये कन्वेंशनल करंट हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से फ्लो इस डायरेक्शन में है, उल्टा किसके, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करता था। अभी रेड कलर किस डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को सेलेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा चलेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो किसके उल्टा होगी, जो चार्ज के चलने के। अगर चार्ज इस साइड को चलता है तो करंट इसके उल्टा होगी, ये इस साइड को हम दिखा रहे हैं। क्या करंट की वैल्यू में कोई चेंज आया, अभी 1.47 एम्पियर है। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन को लेता हूँ तो अभी भी उतना है, जो करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, राइट। तो वहाँ आई क्या था, वो करंट था। तो जब आप देखते हैं कि फार्मूला,
आई इज इक्वल टू क्या हो गया फिर क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी का मतलब ये हुआ कि उसका रेट आप बता रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी कुछ और एग्जाम्पल लूँगा, और एग्जाम्पल में क्या है कि ये हाई थोड़ी वोल्टेज की बैटरी होगी, ये रेजिस्टेंस होगा, फिर कुछ एग्जाम्पल होंगे, कंडक्टर होगा या इस तरीके से, ये जो सभी दिए हैं पेपर क्लिप है, क्वाइन, इरेजर, पेंसिल और बॉडी के पार्ट्स, तो क्या इनका अफेक्ट होगा करंट पे, तो उस सब को हम नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। सो थैंक यू, आप वीडियो देखते रहिए, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इसका दे दूंगा, तो आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करना।